देश में इकलौता एक नरेंद्र मोदी है जो इस सारे गुस्से को, सरकार के खिलाफ इस आक्रोश को, घृणा को ध्रुवीकरण कर सकता है और एक स्थायी सरकार देश में दे सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है, कुछ लोग जो कांग्रेस के द्वारा शायद प्रमोटेड है, देश के लोगों को ऐसा शक होता है कि जो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, लगता है कांग्रेस मुख्यालय की तरफ से उनको कोई बहुत बड़ी शह दी जा रही है, कोई मदद की जा रही है, या कोई अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां इसके पीछे कोई षड्यंत्र कर रही है। मैं कोई यहां मोदी की तारीफ करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन जो सर्वेक्षणों में बात सामने आई, जनता की जो आवाज सुनाई थी मीडिया के सामने, उसको कहना मैं अपना धर्म कर्तव्य समझता हूं, इसलिए कि सच को तो स्वीकार कर ही लेना चाहिए। और हमारा कोई गुप्त एजेंडा नहीं है, हमारा एक ही एजेंडा है, जिस पार्टी की नीतियां, जिस पार्टी की निष्ठा और नेतृत्व राष्ट्र विरोधी है, जन विरोधी है, उसको किसी भी कीमत पर देश की सत्ता से बेदखल कर देना चाहिए।